नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी। आप देख रहे हो इंडिया टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों आज हमारे पास है ये FPV ट्रांसमीटर, पूरा सिस्टम है इसका, FPV ट्रांसमीटर, FPV रिसीवर और विद FPV कैमरा। आपको इन सबका रिव्यू और अनबॉक्सिंग और सेटअप करके बताएंगे कि किस तरीके से FPV ट्रांसमीटर और रिसीवर काम करता है। दोस्तों हम इसको अपने ड्रोन में इंस्टॉल करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास है ये एज ए कैमरा। इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो मैंने आपको दे दिया है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। दोस्तों ये FPV सपोर्ट करता है ये कैमरा, तो एक FPV कैमरा चाहिए उसके लिए हमें। और ये इस कैमरे का SJ6 लेजेंड का ये केबल है, जो कि ये FPV सपोर्टेड केबल है। ये इसके आप देख सकते हो, ये इसमें मिनी USB जैक आता है और इसके साथ हमें ये वायर मिल जाती है जो कि ग्राउंड है। एक ये PWM है और एक ये 5 वोल्ट है और दूसरी ये AV है। दोस्तों ये वीडियो सिग्नल के लिए है, ये 5 वोल्ट प्लस है और ये 5 वोल्ट माइनस है, और ये हमारा PWM सिग्नल के लिए, जिससे हम अपने फ्लाइट कंट्रोल में लगा के सिग्नल दे सकते हैं कि वीडियो को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अलग से परचेज करनी पड़ती है, ये कैमरे के साथ में नहीं आती है। और दोस्तों ये हमारा स्काईड्रॉइड का ये 5.1 GHz का OTG रिसीवर है। ये हमारे फ़ोन में लग के हमारी जो भी वीडियो क्वालिटी होगी, हमारे ड्रोन में जो भी वीडियो रिकॉर्ड करेगा वो हमारे फ़ोन में डेटा भेजता रहेगा। इसके लिए हमको ये दो इसके साथ में केबल आती हैं, ये इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो एक ये Type-C वाला केबल आता है इसके साथ में और एक ये Type-USB वाला ये केबल आता है इसके साथ में। ये रिसीवर के साथ में आते हैं दोनों केबल। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे USB लिखा हुआ है, तो इस केबल को आप USB केबल को आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर ये आप यहाँ पे कनेक्ट करके, और ये वाला हमारा जो प्लग है ये हमारे मोबाइल फ़ोन में डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको अलग से मॉनिटर में चलाना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ ऑडियो वीडियो 5 वोल्ट ग्राउंड, आप यहां से प्लग लगा के ऑडियो वीडियो और ग्राउंड में सप्लाई दे सकते हो। आप देख सकते हो ये हमारा पहला ऑडियो का है, दूसरा वीडियो का है, तीसरा 5 वोल्ट और चौथा ग्राउंड। यहां पे एक जैक लगा के आप मॉनिटर में भी इसको चला सकते हो। दोस्तों इसका ये एक एंटीना आता है जो कि इसके साथ में ही आता है ये, तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये TS-835, ये हमारा ट्रांसमीटर है जो कि वीडियो ट्रांसमिट करके हमारे रिसीवर को भेजता है। ये सिग्नल इसको देगा और ये हमारे फ़ोन में डाटा देगा। तो दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं बॉक्स को, आप देख सकते हो ये 40 चैनल का ट्रांसमीटर है और जो ये रिसीवर है ये 150 चैनल का रिसीवर है। तो दोस्तों इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, आप देख सकते हो इसका मॉडल नंबर है और यहाँ 48 चैनल है, 5.1 GHz का ये भी है। दोस्तों इसमें भी हमारे हमको इसके साथ में एक एंटीना मिल जाता है जो कि इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इसको कनेक्ट करने के बाद एक ये केबल मिल जाती है जो कि हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इसके नीचे ही। आप देख सकते हो हमारी केबल कनेक्ट हो चुकी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें हमारे जो ये वायर आते हैं, इसमें हमारे ये जो दो वायर हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, जिसको हम 7 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हैं। DC 7 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक ये पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, इनको हम सप्लाई दे सकते हैं। प्लस हमारी ये एक वायर है ये वीडियो सिग्नल के लिए है और दूसरी वायर ये हमारी पॉजिटिव है और ये हमारी नेगेटिव है। तो दोस्तों हमारा जो ये ट्रांसमीटर है ये 600 mW का है, जितने mW ज़्यादा होंगे उतनी आपको रेंज ज़्यादा मिल जाएगी। तो दोस्तों दोनों को यहाँ पे रख देते हैं और अब चलते हैं कैमरे की तरफ। दोस्तों कैमरे को करते हैं हम ऑन, तो आप देख सकते हो मैंने पूरी वीडियो इसके ऊपर बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। ये ऑन बटन है, कैमरा ऑन हो गया, हमारा कैमरा ऑन हो चुका है। आप ऊपर से स्लाइड करेंगे तो देखो आप FPV लिखा हुआ है, FPV को ऑन कर रखा है मैंने ऑलरेडी, मेरे पहले ऑन हुआ है FPV, तो आप FPV को ऑन रखें उसके बाद बैक कर दें।
उसके बाद जो हमारा ये जैक है ये हमारे एपीवी कैमरे में हमको लगा देना है। फिलहाल मैं कैमरे को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मेरे कैमरे में थोड़ी बैटरी कम है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें आप इसको लगा सकते हो। इसमें लगाने के बाद कैमरे को हम रख देते हैं साइड, और आप कनेक्शन आप देख सकते हो कि हमारे ट्रांसमीटर में है ये 3 पिन। जो पीला वाला है हमेशा किसी में आप देख सकते हो, जो भी कोई वीडियो का केबल होगा ये हमेशा पीला वाला, येलो वाला है ये वीडियो केबल है, और इसमें भी येलो वाला है वो AV, आप देख सकते हो AV आउटपुट। तो हम येलो को येलो से कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हो हमारे एक ही केबल से काम हो जाएगा, येलो को येलो से कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो गाइज, हमने येलो को येलो से कनेक्ट कर लिया। ट्रांसमीटर की येलो वायर और हमारे कैमरा की जो येलो वायर है उससे हमको कनेक्ट कर लिया है। अब हम अपने रिसीवर को उठा के, ये हमारा स्मार्टफोन है, ये हमारा स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में हमने एक ऐप इंस्टॉल रखी है, आप प्ले स्टोर पे जाके आप लिखोगे गो एपीवी, आप देख सकते हो गो एपीवी इंस्टॉल कर लेना। हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये गो एपीवी आपको इंस्टॉल ऐप कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद में गो एपीवी ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, और हमारा जो ये प्लग है इसको हमको इसके अंदर, आप ऐप को पहले ओपन कर सकते, ओपन करना है आपको ऐप को। इस ऐप को हम ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हमारा जो ये है इसको कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस होगा। आप देख सकते हो ये इसमें विजन आ चुका है, तो ये 5871 मेगाहर्ट्ज़ पे ये काम कर रहा है। इसको हम यहाँ रख देते हैं, आप देख सकते हो ये सेटअप, इसको हम यहाँ रख देते हैं। आप देख सकते हो अब जो हमारे ट्रांसमीटर का, हमारे ट्रांसमीटर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसमें हम 15 वोल्ट सप्लाई देंगे। आप देख सकते हो मेरे पास ये बैटरी है जो 11.4 वोल्ट की है, तो हम इसमें सप्लाई दे देते हैं। पॉजिटिव में नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव देते ही हमारे यहाँ पर सप्लाई, आप देख सकते हो हमारे इसमें सप्लाई आ चुकी है। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमारे कैमरे को यूँ रखना है, इस साइड कैमरे को कर देंगे, और आपको बस जो हमारा रिसीवर है, रिसीवर में आपको देख सकते हो यहाँ 2 बटन है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बटन, एक और एक, ये 2 बटन है। तो जो इसमें USB लगाया हो उस बटन को हम थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे। अगर हम उसको प्रेस करके रखेंगे तो देख सकते हो आप हमारी स्कैनिंग होना चालू हो गई। अब हमारा जो भी, आप कैमरे को ऑन कर लेते हैं हम, आप देख सकते हो कैमरा ऑन हो चुका है। एक बार और इसको फिर स्कैनिंग करेंगे, इसको दबा के थोड़ी देर और रखेंगे। आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ये स्कैन कर लेगा, अगर जो कैमरे की वीडियो है वो हमको हमारे मोबाइल फ़ोन में दे देगा। तो देख लेते हैं, दोस्तों आप देख सकते हो हमने एक गलती कर दी है इसमें, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारा ये ग्राउंड वायर है, जो हमारे कैमरे से ग्राउंड वायर निकल के आ रहा है, वो हमें हमारे इस जो ट्रांसमीटर का जो ग्राउंड पिन है इसमें कनेक्ट करते ही हमारी वीडियो आ चुकी है। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो गाइस हमारी वीडियो आ चुकी है। अगर हम कैमरे के सामने मूव करेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा कैमरा है, और ये हमारा कैमरा है, और ये हमारी वीडियो शो हो रही है। आप देख सकते हो हमारा कैमरा वर्क कर रहा है, देख सकते हो गाइस हमारा कैमरा वर्क कर रहा है, अच्छी तरीके से हमारा कैमरा वर्क कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो इसमें उतनी अच्छी नहीं आती है, दोस्तों क्वालिटी आपको थोड़ी डिले मिलेगी क्योंकि यहाँ पर हम FPV सिस्टम सेटअप कर रखा है ना, तो इसकी वजह से हमको क्वालिटी थोड़ी कम अच्छी मिलेगी। और जो हमारी जो मेन क्वालिटी है, जो हम इसमें मेमोरी कार्ड डालेंगे हमारे कैमरा में, और जो हमारा ड्रोन में इंस्टॉल होगा मेमोरी कार्ड जो इस कैमरे में डालेंगे, तो उससे हमको जो इसकी ओरिजिनल क्वालिटी है ना वो हमको मिल जाएगी। इससे हमें ये पता चल जाएगा मोबाइल से कि हमारे फ्रेम में क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है, ये हमको इससे पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो
आप जैसे ही आपका आपको कुछ नहीं करना है, आपको डाटा केबल लगा के आपको यूएसबी बटन को प्रेस करना है, ऑटोमेटिक ये स्कैन कर लेगा। आपको मैं दोबारा से कनेक्शन बताने की कोशिश करूँगा। जो इसमें से हमारे ट्रांसमीटर में से दो जो ब्लैक और रेड वाले वायर हैं, जो ये फर्स्ट के और सेकेंड के, ये हमारे दोनों वोल्टेज सप्लाई आएंगे, जो 7 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक सप्लाई लेता है ये। और इसमें जो 3 वायर हैं, जो पीला वाला है जो इसके कैमरे के येलो वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, और ग्राउंड वाला ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। अगर आप 5 वोल्ट नहीं भी देते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, आपको सिर्फ 2 वायर कनेक्ट करने हैं, येलो वाला और ग्राउंड वाला। और ट्रांसमीटर में आप कोई भी नंबर शो हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपको ये प्रेस करके रखना है, ऑटोमेटिक ये स्कैन कर लेगा। वैसे इसमें 2 बटन दिए जाते हैं, जो कि फ्रिक्वेंसी, ये FR1 होगा फ्रिक्वेंसी, और CH चैनल सेट करने के लिए दिए गए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों ये थोड़ा हीट होता है, उसको कोई इशू नहीं है, ये थोड़ा हीट हो जाता है, आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे ट्रांसमीटर थोड़ा हीट हो जाता है। दोस्तों मैं इस सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जहाँ से इसको बाय कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। We'll be right back.